अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तब सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडीराल टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। अगर बात करें इंडीराल टैबलेट की फॉर्मुलेशन की, तो इसमें पाया जाता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक बीटा ब्लॉकर दवा है। इसके अलावा अगर इसके पोटेंसी की बात करें कि ये मार्केट में कौन कौन सी पोटेंसी में अवेलेबल है, तो इंडीराल टैबलेट मार्केट में 10 mg प्लस 40 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इंडीराल टैबलेट को हम एंजाइना पेन यानी कि चेस्ट की पेन में हम इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन पेन, माइग्रेन पेन से मुराद जिसको हम आधे सर की दर्द या दर्द शिकिका भी कहते हैं, उसमें भी हम इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें हम इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा के माइग्रेन पेन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में होता क्या है कि हाइपर रहने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें हमारी किडनी एक रेनिन, एक केमिकल होता है रेनिन, उसको रिलीज करती है और हमारा बीपी डाउन कर देती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के साथ हम इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडीराल टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म पे या हमारे ऑर्गन्स पे कौन कौन से एक्शन आते हैं, तो इंडीराल टैबलेट के इस्तेमाल की वजह से सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वर्कलोड डिक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है, वेन कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है, जिस मरीज को जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें हम इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी अगर इंडीराल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ही केयरफुली इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसका यूज केयरफुली ना किया जाए तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है काफी ज्यादा। इसके अलावा अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है यानी कि ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा अरिथमिया हो सकता है, फटेज है, डिजीनेस है, ड्रॉजीनेस है या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज भी आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हाजिर है, जो है ओजिप प्लस 3x25 mg कैप्सूल्स। बहुत ही बेस्ट कैप्सूल हैं। ओलांजीपाइन 3 mg प्लस फ्लेक्सिडाइन 25 mg इसकी कंपोजिशन है। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड गुड इसके रिजल्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ किन टर्म्स और कंडीशन में होता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिजोफ्रेनिया इज़ अ मेंटल इलनेस दैट कॉज डिस्ट्रीब्यूट और अनयूजुअल थिंकिंग। शिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो मेंटल इलनेस यानी आपके दिमागी तौर पर होने वाले मसाइल को डिस्टर्ब करके आपके सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, आपका ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग एंड इमोशंस, आपके इमोशंस जो होते हैं, जो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, सेंसिटिव आपको कर देती है। ये एक ऐसी बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, जिसको ट्रीट करने के लिए यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ओजिप 5 mg टैबलेट ऑल्सो हेल्प, ये आपको हेल्प करती है। 5 mg की टैबलेट
बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट हैं। डेली बेसिस पे एक होती है, इसका इस्तेमाल करने से पेशेंट के मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है, जैसे कि पेशेंट को डिप्रेशन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक रहता है, पेशेंट के मूड चेंजेस होते रहते हैं, उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर हम बात करें कि ये एक स्लीपिंग पिल है, सो ये ओलांजीपाइन इट्स नॉट अ स्लीपिंग पिल, ये एक स्लीपिंग पिल नहीं है, यानी ये नींद की दवा नहीं है, ये जस्ट मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए मेंटल डिसऑर्डर्स जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होते हैं उनको ये बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम बात करें क्या ये एक इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन में आपको मुब्तला कर सकता है, तो जी हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजिप आर डिजीनेस, बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्लीपनेस हो सकते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बॉडी में इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल इन ब्लड, आपके ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कब्ज हो सकती है यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख लग सकती है, वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज लिवर एंजाइम्स, एंजाइम्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अल्टरनेट ब्लड लिपिड लेवल, आपके ब्लड में जो लिपिड लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, आपके ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाने की बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इससे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एलर्जी हो सकती है और डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स काउंट, आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एबनॉर्मल का भी खतरा हो सकता है। सो मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी अपने कंसल्टेंट, अपने अच्छे मॉलिट से मशवरा करें, डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करें तो आप ओजिप का यूज से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। हबीब फार्मेसी का काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेडिसिन के इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट बताना, बाकी डॉक्टर के मशवरे से करना है। बहुत सारा ख्याल रखें, खुराक अच्छी इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। कोई सवाल वीडियो से रिलेटेड है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हबीब फार्मेसी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।